मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीकेयू प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने किसानों को कई बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि सरकार जुमला मालकान का स्थायी हल निकालेगी, यह दावा किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार नया कानून लेकर आएगी, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी है। किसानों की कई बड़ी समस्याओं पर बातचीत हुई, किसानों को सौगात देने की कोशिश हुई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाकी प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की और किसानों के लिए कई बड़ी सौगातों का ऐलान किया गया। प्रदेश सरकार नया कानून लेकर आएगी, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से दावा किया गया और बताया कि किस तरीके से किसानों की समस्याओं पर बातचीत हुई है, उन्हें सौगात देने की एक कोशिश आज की बैठक के जरिए हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीकेयू प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आज की इस बैठक का मुख्य मकसद क्या था और बैठक के बाद खास बातें क्या कुछ निकलकर सामने आई? देखिए, जिस तरीके से बीते लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान जो है वो लगातार गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही साथ जो श्यामलाल दे और जुमला मालकाना हक को लेकर जो है वो लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी था, जिसके मद्देनज़र आज जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित निवास स्थान पर भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो वहाँ पर बाकायदा पहुँचा और मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट करी। इस दौरान उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं और मांगों को जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार द्वारा जो है वो श्यामलाल दे, जुमला मालकाना और सुमरत मालकाना को लेकर जो है वो कानून बनाने के प्रयास जो है वो किया जा रहा है और जल्द ही इसको लेकर जो है वो कानून बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो श्यामलाल दे होगी उसका मालिकाना हक जो है उसके असली मालिक को जो है वो मिलेगा। इसके अलावा जिस तरीके से किसान लगातार गन्ने की वृद्धि को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है और जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई निष्कर्ष जो है वो लिया जाएगा। किसानों के दाम जो है वो बढ़ाए भी जा सकते हैं। जी तो रवि, आज सबसे ज्यादा खास बात यह कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया नया कानून लाया जाएगा, उस नए कानून को लेकर अगर हम विस्तार से जानना चाहें किस तरह के पॉइंट्स पर चर्चा हो रही है? देखिए, जिस तरीके से काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो किसान लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो श्यामलाल दे है और जो जुमला मालकाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है उसका मालिकाना हक जो है उसके जो ओरिजिनल यानी कि जो उसके मालिक हैं उनको जो है वो दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से वो ज़मीन जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो सरकारी संस्थाओं को लेकर जो है सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत जो है उनका अडान हो चुका था, उसके बाद से वो चाहते थे कि जो मालिक के जो ओरिजिनल मालिक हैं ज़मीन के उनको जो है उसका मालिकाना हक जो है वो दिया जाए। तो इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इसको लेकर सरकार जो है एक नया कानून लाने जा रही, जिसके अंतर्गत हो सकता है कि 20 साल पहले या 25 साल पहले जो जमीन जिन्होंने दी हुई थी किसी भी संस्था को, तो उसके ऊपर जो है वो मालिकाना हक जो है वो जता सकते हैं। तो इसको लेकर जब नया कानून आएगा, नए कानून के तहत क्या कुछ क्लॉजेस जो है वो रखे जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये साफ हो गया कि इसको लेकर जो है काफ़ी गंभीरता से जो है वो सरकार ने इस मामले को लिया है और अब एक कानून जो है वो लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत श्यामलाल दे को जो है उसके मालिकाना हक जो है वो दिलवाया जाएगा उनके जो ओरिजिनल मालिक थे जमीन के। जी, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।